ई उपार्जन कंप्यूटर ऑपरेटरों की शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार से आग्रह। नमस्कार, स्वागत है आपका द खबरदार न्यूज में। तो चलते हैं आज की बड़ी न्यूज पे। मध्य प्रदेश में ई उपार्जन कंप्यूटर ऑपरेटरों को कम वेतन और अनियमित नौकरी के कारण कई शिकायतों का सामना करना पड़ रहा है। ये ऑपरेटर राज्य की सरकारी समितियों में किसानों से संबंधित विभिन्न योजनाओं को अधिकृत करने के लिए जिम्मेदार हैं। इनमें किसानों के लिए अनुदान पंजीकरण, खरीद, किसान कृषि बीमा, ब्याज सब्सिडी, भू रिकॉर्ड, कर्ज माफी, ऋण प्रोसेसिंग और समिति से संबंधित सभी कार्यों का क्रियान्वयन शामिल है। हालांकि इनके कौशल श्रेणी कलेक्टर दर पर आते हैं, लेकिन इनका वेतन बहुत कम है। साथ ही ये ऑपरेटर साल 2012-13 से कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उन्हें नियमित कर्मचारी नहीं बनाया गया है। कोविड-19 महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में भी ये ऑपरेटर्स अपनी सेवाओं को प्रदान करते रहे, अक्सर अपनी जान को खतरे में डालते हुए, लेकिन सरकार ने उनकी सेवाओं को सराहने के बजाय उनकी उपेक्षा की है। इसी बीच द खबरदार न्यूज के रिपोर्टर आशुतोष ने कंप्यूटर ऑपरेटर मनीष मिश्रा यानी ब्लॉक प्रवक्ता से खास बातचीत की। तो चलिए जानते हैं त्योंथर रीवा से आशुतोष की रिपोर्ट। लोग SDM साहब को ज्ञापन देने आए थे, किस संबंध में ज्ञापन देने आए थे आप लोग? हम लोग SDM साहब को आज ज्ञापन दिए हैं। हम लोग ही उपार्जन कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, जो कि वर्ष 2011 से आज तक लगातार सरकार के जनहितैषी कामों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार द्वारा हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया और आज तक उपेक्षा की गई और तक हम लोगों को सरकार कुछ भी ध्यान नहीं दी। इसलिए आज हम लोगों को हम लोग SDM साहब के माध्यम से अपनी बात सहकारिता आयुक्त तक पहुंचाने के लिए आज ज्ञापन दिए हैं। SDM साहब ने क्या आश्वासन दिया है आपको? SDM साहब ने बोला है कि हम जल्द से जल्द आप लोगों की बात को DR साहब तक पहुंचाएंगे और आप लोगों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं होगा। जो पूरे जिले में, प्रदेश में लागू होगा, वही आप लोगों के साथ भी होगा। ई उपार्जन कंप्यूटर ऑपरेटर जिला अध्यक्ष अजय शुक्ला, ब्लॉक अध्यक्ष दीपक मिश्रा, ब्लॉक प्रवक्ता मनीष मिश्रा, ब्लॉक उपाध्यक्ष प्रकाश सिंह, रजनीश तिवारी, आशीष शुक्ला सहित ने किया मांग। पहला, सभी उपार्जन कंप्यूटर ऑपरेटरों को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से संबंधित सहकारी समितियों में नियमित कर्मचारी बनाया जाए। दूसरा, सभी ई उपार्जन कंप्यूटर ऑपरेटरों के वेतन को 25,000 रुपए प्रति माह किया जावे। तीसरा, भविष्य में नए ऑपरेटरों की भर्ती करते समय वर्तमान में कार्यरत ई उपार्जन संबंधित समितियों में कार्यरत ऑपरेटरों को प्राथमिकता दी जावे, कमिटी से ऑपरेटरों को अलग नहीं किया जावे। चौथा, वेतन विसंगतियों को दूर करते हुए ऑपरेटरों को समान वेतन देने का सुनिश्चित किया जावे और वेतन 12 महीने के लिए दिया जाना चाहिए। ई उपार्जन कंप्यूटर ऑपरेटरों की इन मांगों को जायज माना जाना चाहिए। ये ऑपरेटर सरकार की विभिन्न योजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन सरकार उन्हें उचित वेतन और नौकरी की सुरक्षा नहीं दे रही है। यह अन्याय है। सरकार को ई उपार्जन कंप्यूटर ऑपरेटरों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए, ताकि ये ऑपरेटर अपनी सेवाओं को और बेहतर तरीके से प्रदान कर सकें। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।